हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारे जो अभी किट तक के टॉपिक चल रहे हैं वो सारे हमारे पेडागोजी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पर चल रहे हैं। तो उसके अंदर हमने अभी तक टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री बुक और टीचर्स गाइड एंड आपके ऑडियो विजुअल एड्स, ये सारे डिस्कस कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर वो है लेबोरेटरीज। ठीक है, जो लैब्स होती हैं उनका क्या यूज़ है या उनको क्यों रखा गया है स्कूल के अंदर कि लैब्स होनी चाहिए, और जैसे आप अलग अलग आपकी क्लासरूम्स में पीरियड्स लगते हैं, साइंस से रिलेटेड लैब्स का अलग लगता है, होम साइंस में आपका होम साइंस की लैब का अलग लगता है, और सूपा वगैरह जिसके में होता है वहाँ पे कढ़ाई बुनाई ये सब सिखाए जाते हैं उसका लैब्स का अलग लगता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ बेसिकली यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो लेबोरेटरीज से मतलब है वो साइंटिफिक मतलब है, साइंटिफिक तरीके से है और साइंस के लिए ही है। क्योंकि जो हमारे स्कूल्स में लैब्स हमें, आपने मैथ्स लैब के बारे में भी सुना होगा, मतलब आपकी क्लासेस में होंगी, स्कूल्स में भी होंगी, ये फैसिलिटी भी बाद में साइंस लैब के बाद प्रोवाइड करा दी गई थी। तो अब बेसिकली एजुकेशन ने मैथ्स लैब भी जोड़ दिया है उसके अंदर, तो स्कूल्स के अंदर क्या है मैथ्स लैब की फैसिलिटी भी है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी आप अपने चार्ट मॉडल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स उनको चार्ट के अकॉर्डिंग, कार्डबोर्ड के अकॉर्डिंग कट करके उसको भी बना के क्या है लैब्स के अंदर रखते हो। ठीक है, और साइंस में क्या है, साइंस में ज़्यादातर आप साइंस के से रिलेटेड जो उपकरण होते हैं जैसे कि उर्वरकता होती है मिट्टी सॉइल, या आपको कुछ रिएक्शन देखना है, लेंसेज होते हैं आपके, और बाकी चीज़ें होती हैं जंतु या वायरस या आपके जीव जीवाणु होते हैं वो चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ घासें फंगी, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी लेबोरेटरीज़ में साइंस लैब में रखी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अब बात हम यही करेंगे, जो आपकी लेबोरेटरीज हैं वो तो आपको पता चल गया कि है क्या, और आपके स्कूल्स में आपने खुद ने देखी हैं, जो टीचर्स हैं हमारी उन्होंने भी जब स्टडीज़ करी हैं तो उन्हें भी पता ही है कि उन्होंने भी अपनी लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, साइंस मैथ्स और होम साइंस में भी उन्होंने कुकिंग करी होगी, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली लेबोरेटरीज क्यों रखी जाती हैं स्कूल के अंदर, उसका एजुकेशन में क्या महत्व है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, अब उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यूजेस और उपयोगिता क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं हमारी लेबोरेटरीज़ को एजुकेशन के साथ, एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ने की, आपकी स्टडी मटेरियल के साथ जोड़ने की। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं साइंस में कि मान लीजिए आप पाठ के अंदर पढ़ रहे हो, लेकिन उसको जब तक आप प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे, उस चीज़ में रिएक्शन नहीं कर, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना 10th 12th में 11th में, तो वहाँ पे क्या होता है जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कि कुछ फॉर्मूलेज आप क्रिएट करते हो, कुछ केमिकल्स को मिक्स करते हो, कुछ रिएक्शन देखते हो कि जंग लग गया, तो जंग को अगर आप बचाना चाहते हो, एक लोहे की स्टिक लीजिए, उस पर जिंक का पेंट कर दीजिए, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, तो वो क्या है जंग लगने से बचा सकते हैं। आपने बच्चे को ये चीज़ पढ़ा दी, लेकिन प्रैक्टिकली जब उसको वो चीज़ वो घर पे देखेगा कि इस वाली रॉड पे जंग लगा हुआ है या पड़ी हुई एक बॉक्स के अंदर कील में जंग लगा हुआ है, तो जब वहाँ पे वो कहेगा, सोचेगा कि मैम ने बताया था कि जंग ना लगे उसके लिए क्या करना है, हमें जिंक का प्रयोग करना है, तो अगर उसको जिंक मिलता है या उस पर वो यूज़ करके देखता है तो वो उसके लिए एक सत्यता हो जाती है, मतलब एक ट्रूली एक चीज़ हो जाती है। साइंस बेसिकली हमारी किस चीज़ पे डिपेंड है ये भी आपको पता है, साइंस हमारी बेसिकली सत्यता पर भी निर्भर करती है कि जो चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं वही हमारी साइंस है, वही उसके तथ्य हैं, केवल मनगढ़ंत बातें और सुनी सुनाई बातों पर हम यकीन नहीं करते। अगर आपको ने बोला है कि चंद्रमा गोल है, त्रिकोण नहीं है, तो प्रैक्टिकली पहले उससे प्रूफ करो कि वो गोल है, तभी हम मानेंगे साइंटिफिक वाले जो लोग होते हैं कि तभी हम मानेंगे, नहीं मानेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होता। ठीक है,
तो इसीलिए जो ये सारे टॉपिक्स हैं या बाकी बातें हैं केवल पढ़ने से बच्चे को नहीं आती है. हमने स्टार्टिंग से एजुकेशन के अंदर सबसे पहली बात रखी कि बच्चे की जब प्राइमरी से शिक्षा शुरू होती है बड़ी क्लासेस तक, तो उसको एक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं, प्लेवे मेथड से स्टार्ट करते हैं, ताकि बच्चा खेल खेल में और खुद के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग कर सके. ठीक है, तो अब इसके यूजेस समझ लेते हैं. उपयोगिता, पहली पॉइंट इसमें ये आता है कि बच्चे के अंदर एक क्रियोसिटी बनाने के लिए हम सबसे ज़्यादा साइंटिफिक जो लेबोरेटरीज़ हैं उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि बच्चा जब किसी पार्ट को पढ़ता है तो उसके अंदर कोई ना कोई क्रियोसिटी आ ही जाती है. जिन टॉपिक्स पे आ जाती है उनको हम लेबोरेटरीज़ के द्वारा उनको वो चीज़ हैंस प्रूव करके दिखाते हैं. ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको जंक का एग्जाम्पल दिया कि जिंक के द्वारा क्या है, आप उसको जंक को लगने से रोक सकते हो. तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हो तो बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आएगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ये मैम सिर्फ बुकिश लैंग्वेज बोल रही है, सिर्फ पढ़ाए जा रही है या कुछ. तो जब तक आप उसको प्रूफ करके नहीं दिखाओगे बच्चे को, तब तक बच्चे को ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि रियलिटी में ये चीज़ यही है कि जो मैम ने बुक के अंदर पढ़ाई. ठीक है, तो पहला पॉइंट था हमारा कि सत्यता पे निर्भर करता है और बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ाई जा सकती है. सेकंड पॉइंट है कि बच्चे के अंदर समस्या समाधान की जो भावना है उसको जागृत किया जा सकता है, बच्चे को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बनाया जा सकता है. कैसे, अगर बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा क्या करेगा, उसको प्रूफ करने के लिए कि ये वाली प्रॉब्लम है तो उसको शॉर्ट आउट कैसे करना है. अब जैसे आपने बच्चों को फॉर्मूलेज पढ़ाए या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करना सिखाया, किसी चीज़ को प्रूफ करना सिखाया, तो बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक जो फीलिंग है या मेथड है, जो अप्रोचेज हैं वो आ जाती हैं, जिससे बच्चा हर किसी चीज़ को एक साइंटिफिक तरीके से करने के लिए उत्सुक रहता है कि इसको ऐसे करना ही करना है, इसको हैंस प्रूफ करना है कि ये चीज़ वैलिड है और ये चीज़ अनवैलिड है. ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि एक साइंटिफिक अप्रोच आप बच्चे के अंदर डेवलप करते हो लेबोरेटरीज़ के माध्यम से. अगर आप बच्चों को क्लास में कक्षा कक्ष में पढ़ाने के बाद आप लेबोरेटरीज़ में लेके जाते हो, उनका वहाँ पे टाइम स्पेंड करवाते हो या बच्चे कुछ ना कुछ नया खुद से करके देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बच्चे के अंदर साइंटिफिक नॉलेज डेवलप होती है, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है कि वो हर चीज़ में सत्यता ढूंढने लगते हैं. मतलब उनके लिए हर चीज़ या तो वैलिड है या इनवैलिड. वो कर्म कांड या फिर जो ये भक्तों के पास जाते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, खो जाते हैं, बिल्कुल अंधविश्वासी में खो जाते हैं, उन सारी चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते. क्यों? क्योंकि वो चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती, या उनको पता है कि इसको साइंटिफिक तरीके से, इसका कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है या साइंटिफिक रूल नहीं है. ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है. फोर्थ पॉइंट में बेसिकली जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं उनका यूज़ इसलिए किया जाता है कि जो आपको बच्चे को कंटेंट पता पढ़ाना है उसको बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करते हुए बच्चे की परमानेंट नॉलेज इंक्रीज़ करनी है. ठीक है, जो चीज़ें आपने पढ़ा दी है उसको अगर आप उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हो, उसको प्रैक्टिकली करवाते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे जब उसको खुद करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली भी बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें घर कर जाती हैं, प्रैक्टिकली उनके माइंड में वो चीजें छप जाती हैं. आप बाद में भी उनको कितना भी ट्राई कर लो, आप उनको रिमूव नहीं कर सकते हो. तो बच्चे जितना किसी चीज को करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. आप मैथ्स में भी तो यही करते हो, आपको एक सम दिया गया है, अगर एक प्रॉब्लम दी गई है, आप एक बार सॉल्यूशन निकाल रहे हो गलत हो गया, दोबारा निकाल रहे हो, तिबारा निकाल रहे हो, चौथी बार में निकल गया, तो उसने क्या कि बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिकल किया, और वो लास्ट में जब उसको सॉल्यूशन मिला तो वो उसके दिमाग में परमानेंट नॉलेज में चला जाता है, छप जाता है बिल्कुल, कि वो उसको लाइफ टाइम के लिए कभी नहीं भूलता है. ठीक है, तो हमारी लेबोरेटरीज़ इस चीज़ में हमारे लिए सहायक हैं कि बच्चे के लिए एक उत्सुकता जागृत करने के साथ साथ एक साइंटिफिक अप्रोच भी डेवलप करी जाती है, और बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करते हुए एक परमानेंट नॉलेज क्या है बच्चे के अंदर इंक्रीज़ की जाती है. ठीक है, उसके बाद का पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इस पर लेकर आते हैं कि जो हमारी लेबोरेटरीज़ हैं
वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करता है, बच्चे को इस चीज़ के लिए फोकस करता है कि आप खुद करके सीखिए, आपको प्रॉब्लम दी जा रही है आप खुद करके सीखिए कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको प्रूव कर रहे हैं या उसके लिए मैं आपसे रीज़न पूछूं कि ये चीज़ क्यों है, तो आप वहाँ पे अवेलेबल हो रीज़न देने के लिए, ठीक है। इसके बाद 6th पॉइंट आता है कि बच्चे की हेजिटेशन को रिमूव करते हैं। अगर बच्चा किसी पार्ट को केवल पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो पढ़ने और समझने से कुछ नहीं होता, उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए, उसको प्रूफ करना भी आना चाहिए। उसमें क्या है, बच्चा हेजिटेशन फील करता है, वो मैम के सामने अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाता है कि ये चीज़ मैम ऐसे है या ये चीज़ ऐसे है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है या इस चीज़ को ऐसे हम रख सकते हैं। तो लेबोरेटरीज़ बेसिकली ये है कि अगर आप वहाँ पे जब करना सीखते हो, कोई ना कोई क्रियाएँ करते हो, तो उसके माध्यम से क्या है, बच्चे की जो लर्निंग बाय डूइंग की फीलिंग के साथ जब बच्चे क्रिया करते हैं, तो बच्चे की हेजिटेशन रिमूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट है कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करना और आपस में अपनी नॉलेज का इंक्रीमेंट करना, मतलब अपनी नॉलेज का एक एरिया ब्रॉड करना सीख जाते हैं। मतलब अगर आप एक लाइन में खड़े होके आपके क्लासरूम के 10 बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, आपस में एक हेल्दी कंपटीशन तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उनके अंदर ये फीलिंग रहती है कि अगर मैं कहीं पे मिस कर गया हूँ या मेरे से कुछ कमी हो गई है, तो एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, किसी को कुछ समझाते भी। अगर एक ने मान लीजिए कोई फॉर्मूला डेवलप कर दिया है, किसी को आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था, वो उसने पहले और बहुत अच्छा करके दिखाया, तो दूसरा भी क्या है, उससे पूछेगा या वो फर्स्ट वाला उसको एक्सप्लेन करेगा प्रॉपरली कि इसमें ये चीज़ करो, सेकंड स्टेप ये करो, थर्ड स्टेप ये करो, इतनी क्वांटिटी रखो, इस पर इतना ध्यान दो, इतनी हीट रखो, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी आपके सामने एज अ रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाली फीलिंग भी बच्चे के अंदर जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वो डेवलप करती हैं कि एक दूसरे का सहयोग करना और साथ में क्या है, अपनी नॉलेज का ब्रॉड एरिया इंक्रीज करना हमारी लेबोरेटरीज के माध्यम से किया जा सकता है बच्चों में, ठीक है। और इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो बच्चों के अंदर इसके साथ साथ जब आपने फीलिंग डेवलप कर दी सहयोगता की और इस सब चीज़ें की, तो उसके साथ साथ बच्चा क्या है, अपनी एक शेयरिंग वाली फीलिंग और इन सब की चीज़ की फीलिंग भी लेबोरेटरीज़ के अंदर रखता है, ठीक है। तो ये थी इसकी उपयोगिता, यानी कि एडवांटेजेस और यूजेस थे इसके, कि लेबोरेटरीज़ का एजुकेशन में क्या यूजेस हैं, हमें क्यों लेबोरेटरीज़ का यूज़ करना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है, हमें लेबोरेटरीज़ का यूज़ करना चाहिए, जो बच्चे की लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस्ड हो, सेकंड कि जो बच्चे की नॉलेज इंक्रीमेंट करे, थर्ड जो बच्चे के अंदर साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करे, एक साइंटिफिक जो वो प्रूफ कर सकता है उसको सोचे, कर्म कांड या अंधविश्वासी चीज़ों में ना पड़े वो, और जितने भी आपके प्री प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चा उसको करे, बच्चा एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हो कि बच्चा अपनी डेली लाइफ की रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी क्या है, उनको सॉल्व कर सके। उसके बाद जो भी कंटेंट बच्चा पढ़ रहा है, जो भी पॉइंट्स बच्चा पढ़ रहा है, उनकी सत्यता को जान सके कि वो रियल हैं, फैक्ट हैं या नहीं, अगर नहीं है तो उनको छोड़े और बाकी चीज़ पे फोकस करे, ठीक है। अब आती है इसकी लिमिटेशन, लिमिटेशंस भी होंगी। लेबोरेटरीज़ हमारे वैसे बेसिकली एजुकेशन में, एजुकेशन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा रखा जाता है और सबसे ज़्यादा इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड अगर बच्चों को नॉलेज देनी है या साइंस को इजी बनाना है, बेसिकली हम लेबोरेटरीज़ का यूज़ साइंस के लिए करते हैं, तो साइंस को पढ़ाने के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली करवा के एक ईजी बनाना है, तो हम लेबोरेटरीज़ का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करेंगे अपने एजुकेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं उसकी, कि लेबोरेटरीज़ को कहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए या कम यूज़ करना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें कि कुशल अध्यापकों की कमी, मतलब जो ट्रेन टीचर्स होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। सबसे पहली बात, पढ़ाना स्किल अलग है, किसी चीज़ को उतने ही एक्सपर्ट तरीके से करवाना अलग चीज़ है। ज़रूरी नहीं जो टीचर अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है, जो अच्छा पढ़ा सकती है, वो उतना प्रैक्टिकली भी करवा सकती है, राइट। ये पॉइंट है
तो इसीलिए एक कुशल अध्यापक की ज़रूरत, जो लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स है वो एक इसकी लिमिटेशन है कि कई बारी हमें कुशल अध्यापकों की कमी पड़ जाती है, जिनको प्रॉपर नॉलेज हो, ज्ञान हो, और वो जिस चीज़ को पढ़ा रही हैं, जितना एक्सप्लेन कर रही हैं या बाकी चीज़ें बता रही हैं, उसको प्रैक्टिकली बच्चे के साथ करवा सके या उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप कर सके, ठीक है। ये एक पहली लिमिटेशन है। सेकंड इसकी लिमिटेशन है कि ज्ञान का स्थायी ना होना, इसके अंदर कमी आ जाती है। कैसे? कि बच्चा जो प्रैक्टिकली सीख रहा है, कई बार ऐसे होता है कि बच्चे के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कुछ वो लैब्स के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हुए क्या हुआ, कुछ ब्लास्ट हो गया, कुछ हीट वगैरह कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब फार्मूला गड़बड़ हो गया, या फिर आपने हीट तेज कर दी, वो कुछ ब्लास्ट हो गया जो आपकी ट्यूब्स हैं, या कुछ एरर्स आ गए, या मतलब पॉजिटिव वे में उस रिज़ल्ट पर नहीं पहुंच पाया जो उसको चाहिए, तो वो वाली चीज़ें भी क्या हैं, बच्चे के दिमाग पे छप जाती हैं कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा यार, एक बार कर लिया मेरे को ये नुकसान हो गया, मेरा हाथ जल गया, या केमिकल मेरे बॉडी पे रिएक्शन कर गई, या टीचर ने मुझे डांटा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कई बार बच्चे के दिमाग में भी घर कर जाती हैं, और ये सारी चीज़ें बैड एक्सपीरियंस जब बच्चे लेबोरेटरीज के अंदर गेन कर लेते हैं तो उनके लिए एक परमानेंट नॉलेज या स्थायी नॉलेज में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है टीचर के लिए, कि उनको दोबारा से उसी एक्टिविटी के लिए आप दोबारा से क्या मोटिवेट करो। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, एक लिमिटेशन के माध्यम से देखने में मिलती हैं कि बच्चे का स्थायी ज्ञान में कमी आ जाती है वहाँ पर इस प्रकार की, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट आता है कि एक लिमिटेशन ये है कि जहाँ पे थोड़ा व्यय का खर्चा जो होता है, मतलब जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनको रखने में थोड़ी असमर्थता होती है। मतलब लेबोरेटरीज के अंदर आपको एक से एक चीज़ें रखनी है जिससे आप क्या बच्चों को जानकारी दे सको, या उतनी तो रखनी है जितनी उनकी किताब के अंदर कंटेंट है, या अगर वो मेंढक के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप उनको मेंढक भी दिखा सको, कछुए के बारे में पढ़े तो आप उनको रियलिटी का कछुआ भी दिखा सको। तो ये सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, कि कई बार इनको अरेंज करना या लैब्स को मेंटेन करना और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक है। और एक लिमिटेशंस इसकी में ये भी आ जाती है कि इसमें देखिए तीन लिमिटेशंस हो गई, एक खर्च का, एक कुशल अध्यापक का, और स्थायी परमानेंट आपकी नॉलेज परमानेंट नहीं हो पाती है अगर बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो। उसके बाद का पॉइंट है आपका कि अगर ऐसी कंडीशन कभी हो जाती है कि लेबोरेटरीज़ में प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, लाइट्स और जो केमिकल्स वगैरह, तो उनके रिएक्शंस और इन सब चीज़ों में भी क्या है, बच्चे क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो अगर बच्चों को ना प्रोवाइड कराई जाए तो लेबोरेटरीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों के लिए सिर्फ वो एक कमरा बन के रह जाएगा, वहाँ पे बच्चे के सीखने के लिए कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक दिन लेके गए बच्चों को, ठीक है, आपके पास केमिकल्स नहीं है रिएक्शन करने के लिए, या प्रॉपर लाइट या फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप वापस क्लासरूम में बच्चों को ले आए, सेकेंड डे लेके गए, थर्ड, तो आप भी सोचेंगे क्या बाबा लेके जाना, बेकार लैब पड़ी है, उसमें कुछ है तो है ही नहीं करने के लिए, तो बच्चा भी नेक्स्ट टाइम नहीं जाएगा। तो आपको लेबोरेटरीज़ का प्रॉपर यूज़ करवाना है, उसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपको टाइम टाइम पर चेक भी करना है कि ये सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, कोई कमी है तो उसको कब पूरा करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी लिमिटेशन के अंदर। अब बात करते हैं इसके बाद यूजेस, उपयोगिता, कि लेबोरेटरीज़ की उपयोगिता कह दे कि सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात कि आप लैब्स का जब यूज़ कर रहे हैं तो आपको एज अ टीचर एक बेस्ट ऑब्जर्वर रहना है, क्योंकि आप बच्चों को जब लेबोरेटरीज़ में लेकर जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे जब काम करते हैं या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चे केमिकल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे, बच्चों के लिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, या आप अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होंगे, तो बच्चे वहाँ पे अपने आप को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं किसी केमिकल के थ्रू, या कोई कीड़ा काटा काट जाए, कछुए ने काट लिया, कोई मकड़ी का डंक मार दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको एक बेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में रखनी है, ठीक है।
तो लेबोरेटरीज की उपयोगिता यही आती है कि हमेशा क्या है, आपको ऐसे ही लेबोरेटरीज़ का यूज़ करना है कि जहाँ पर बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ तो हों, लेकिन आपको एक बेस्ट ऑब्जर्वर के रूप में काम करना है कि बच्चे अपने आप को नुकसान ना पहुँचा सके, ठीक है। उसके बाद ऐसी लेबोरेटरीज़ मेंटेन करनी है जो बच्चों की आयु स्तर और बच्चों के कंटेंट से रिलेटेड हो, शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करती हो, ऐसी ना हो जो बेकार की बातें या बेकार की लैब्स के अंदर आपने खिचड़ी पकाई हुई है, इधर उधर के पेड़ पौधे ला के रखे हुए, इधर उधर के जानवर जंतु ला के भर दिए, पूरा चिड़ियाघर बना दिया, तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको पता है कि लेबोरेटरीज़ किस टाइप की होती हैं, उसके अंदर पेड़ भी होते हैं, कुछ प्लांट्स भी होते हैं, कुछ जीव जंतु भी होते हैं, और कुछ मतलब जो आपके कीड़े काटे जीवाणु ये सब होते हैं, बाकी लेंसेज भी होते हैं, बाकी फैसिलिटीज़ भी होती हैं। तो आपको एक प्रॉपर रूप में क्या है, लेबोरेटरीज़ को मेंटेन करना है जो बच्चे की आयु स्तर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए और विषय वस्तु के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हो। और उसके बाद अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट में बताया कि एज अ ऑब्जर्वर अध्यापक को रहना है, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि एज अ ऑब्जर्वर मैं अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक बच्चे पे ध्यान रहे, कोई केमिकल के साथ कोई रिएक्शन ना कर ले। और लेबोरेटरीज़ के अंदर सबसे पहला काम अध्यापक का ही बनता है, टीचर का ही, कि पहले वो बच्चों को लेबोरेटरीज़ में भेजते के साथ उनको केमिकल के ना दे दे उठा के कि लो करो जो करना है, पहले खुद मिडल में खड़ी होके, बिल्कुल सेंटर में खड़ी होके बच्चों को चारों तरफ अपने घेरा करके और थोड़े थोड़े बच्चों को ले जाके चीज़ें सिखाए। ये नहीं कि पूरी क्लास को ले गए, भीड़ लग गई वहाँ पे, आगे वाले बच्चों को तो आप पता है देख रहे हो कि ये सुन रहे हैं समझ रहे हैं, पीछे वाले बच्चे पता नहीं कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, कुछ केमिकल मिक्स कर रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रहे कि छोटे छोटे ग्रुप्स में, लेबोरेटरीज़ में आप बच्चों को लेकर जाएँ और उस टाइम पर उस कंडीशन में क्या करें कि आप पहले खुद एक्सप्लेन करें टीचर के मुताबिक कि आप केमिकल रिएक्शन करके दिखाएं, फिर बच्चों को बोले कि कितना क्वांटिटी यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए और आईज़ के लिए लेंसेज होने चाहिए या स्पेक्स होने चाहिए ताकि हीट या केमिकल रिएक्शन ना करे, ग्लव्स होने चाहिए और जो आपका वाइट कलर का साइंट से रिलेटेड कोट आता है वो बच्चों को पहनवाएं, ताकि कई बार ऐसे होते हैं कुछ केमिकल्स की वो कपड़े जो होते हैं बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सिल्क वगैरह तो वो आग पकड़ लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बचने के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ क्या है बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट यही आता है इसमें कि बच्चे का इवैल्यूएशन करें, डिस्कशन करें कि लेबोरेटरी से जो भी बच्चे ने सीखा है, जो भी उसकी उपयोगिता रही है या जो आपने प्री प्लान ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो कितने फ़ायदेमंद रहे, कितने फ़ायदेमंद नहीं रहे, आपको क्या वहाँ पे काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ठीक है। अब ये लेबोरेटरीज़ भी आपको समझ आ गया होगा। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि इन टॉपिक्स को मैं सिंपली ऐसे इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट लिखने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ लिख दूँ लिमिटेशन, लैक ऑफ टाइम, ये कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर आप टीचर बन रहे हैं PGT के या फिर TGT या PRT भी, तो बेसिक सी चीज़ें हैं क्योंकि आपने भी ये सारी चीज़ें अपने स्कूल टाइम में करी हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको एज अ टीचर अब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या लिमिटेशंस क्या होंगी लेबोरेटरीज़ की या किसी भी चीज़ की या यूजेस या उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, हमें बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम वो सारी बातें तो विदाउट ब्लैकबोर्ड यूज़ किए हुए भी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही रही हूँ कि आपके यूजेस क्या हो गए, बेनिफिट्स क्या हो गए और उसको कैसे आपको ध्यान में रखना है, लिमिटेशंस क्या होंगी। और यही सारी बातें जब आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे इसी टाइप से आएंगे कि एक बच्चा अगर किसी लैब में कुछ केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो एज अ टीचर आपकी वहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, या आप लेबोरेटरीज़ का किस तरीके से बच्चों की एजुकेशन में यूज़ करेंगे, या कौन कौन सी स्किल या अप्रोचेस का यूज़ करेंगे कि बच्चे के अंदर साइंटिफिक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ यहाँ पे सिंपल कि बच्चे के अंदर सत्यता या मतलब ट्रूली कॉन्सेप्ट या फिर सच्चाई के ऊपर अगर थॉट डेवलप करने हैं तो कौन से मेथड के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड,
साइंटिफिक मेथड या आपका ले लीजिए प्लेवे मेथड, तो आप मुझ में उसमें आंसर क्या करोगे? साइंटिफिक मेथड. क्यों? क्योंकि वो सबसे बेस्ट वे है अगर बच्चों के अंदर सत्यता का गुण डालना है, मतलब सच्चाई का, कि ट्रूली मतलब सच आपको पता है कि ये चीज़ हमारे साइंस पे रिलेटेड जो है कि वो किसी चीज़ को प्रूव करके दिखाती है, सच पे रिलेटेड होती है, कोई कर्म कांड या पुरानी प्रीवियस नॉलेज या दादी दादाओं की कहानी पर नहीं होती है. ठीक है, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन वहाँ पे ऐसे किए जाएंगे. लेबोरेटरीज़ का आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, या फिर लेबोरेटरीज़ आपके लिए किस फीलिंग या किस टाइप की थॉट्स बच्चे के अंदर डेवलप करने में हेल्प करती है, तो आप बता सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने में हेल्प करती है. तो ये सारी बेसिक नॉलेज है जो मैं आपके साथ इन वीडियोज़ के साथ शेयर कर रही हूँ. तो लिखने का कुछ ज़्यादा पर्पस नहीं है यहाँ पे. तो इस वाले टॉपिक के साथ लैब्स लेबोरेटरीज भी ख़त्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट सब टॉपिक करेंगे. थैंक यू सो मच.